बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करना कि तुम सारे खरीयत ना होगे। दुआ है कि अल्लाह ताला तुहानू सदा खुश रखे ते सानू सारे अपने हिफ्ज़ इमान च रखे, आमीन। तो अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला असी इस होटल ते ठहरे दे आं, अपर दीर शहर है उत्थे असी ठहरे दे आं। माशाल्लाह ए साडा होटल है, रात असी इत्थे रुके हां ते हुण इंशाल्लाह अगे निकलने आं। आओ तुहानू अपने कमरे का विजिट कराने आं। माशाल्लाह बड़ा महंगा होटल है ते मैं ते पहली दफा ही होटल दे विच डरन ठहरिया। मैं आख्या मैं अपने दोस्तों नाल भी शेयर करा। आओ तुहानू मैं अपना कमरा विखाना। माशाल्लाह आ मेरे होटल की छत है। माशाल्लाह छत दे उत्ते बड़ा प्यारा व्यूज आ रहा है, नाल जिहड़ा ने दरिया जा रहा। माशाल्लाह अपर दी माशाल्लाह जी, आ साडे मदसर भाई ने माशाल्लाह बर्फ मजीद अगे चले आर बर्फ भाई और दस रहे। उस मैं तुम अपने होटल का विजिट कराना जिस होटल ठहरे दे। किराए करुए का मैं नहीं पता, भाई होने किराया दिता। माशाल्लाह देखो इतना प्यारा होटल है, वाह जी वाह। इस्लामाबाद असी जो ठहरे हाँ वो होटल तो तकरीबन नॉर्मल ही, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तो बहुत ही महंगा होटल है। दूसरी मंजिल से सानू कमरा मिले दा। तो माशाल्लाह जी इस साइड पर जरा होटल की तैयारी हो गई। वाह जी वाह दोस्तों, पुल तुम देख सकते हो जरा बनाया था, वाह जी वाह। तो दोस्तों हूँ मैं आया जी होटल के बाहर वाली साइड से, देखो किन्नी स्पीड ना जरा पानी जा रहा है। भाई दस तो भाई करम दस रहे हैं कि यह जड़िया दीवारा जो पत्थर लाए गए हैं इस वास्ते लाए गए हैं ताकि जरा ज्यादा पानी आए तो जरा किनारे यह महफूज रहे, किनारे नुकसान कोई ना हो। तो यह सा होटल माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, प्रिये से हैं? कितनी मछलियां फड़ियां ने? अभी आया हूं ना। अच्छा अभी आए हो, माशाल्लाह जी अंकल होना ने कुंडी लाई दी है मछलियां जड़ियां ने वो खा लेने दरिया की। माशाल्लाह जिन्ना बड़ा बड़ा पत्थर है वो सारा जड़ा ने होटल दी बैक साइड पे ला दिते ताकि होटल दी दीवारां नु कोई नुकसान वगैरह ना पहुंचे। चलो दोस्तों हुण चलने अगे, भाई इंदस्तर ते भाई मुकरम मेरा इंतजार करते पे ने। चलो दोस्तों तैयारी हो गई है मुकम्मल, मैं देख रहा हां कमरे च कोई चीज ना रह गई होए, बाकी सारा समान जेड़ा ने वो बाहर कर दिता क्योंकि जान तो पहले चेक कर लेना चाहिए कोई चीज। मुकरम भाई सारा समान कढ लिया जी, मजीद एक दफा मैं नजर मार ली कोई चीज चूज रह गई है। सफर का आगाज शुरू हो गया माशाल्लाह। मुकरम भाई नूं असीं जिहड़ा ने आदे क्रॉस कर लिया बल्कि माशाल्लाह जी माशाल्लाह। दसर भाई यह जिहड़ी कोई बर्फ शर्फ चमी दी है ना, पानी आ रहा है तकरीबन पूरा महीना डेढ़ हो गया गंदम की कटाई हो, लेकिन इधर जिहड़ा पहाड़ी इलाके च हुण गंदम कट के कतराई की जाती पी है। कुछ गंदम कट ली गई है कुछ जी कटन वाली खलोती है जी, इस साइड तो जी कटन वाली खलोती है।
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖਿਆ। ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਲੂ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੁਕਰਮ ਭਾਈ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੇ ਆਣਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ। ਜੀ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੱਤੇ ਐਡੇ ਐਡਿਆਂ ਚੁੰਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ, ਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੋਡੀ ਪਾ ਪਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਹੈ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਨਾ ਗੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਪੱਥਰ ਨੇ ਠੱਕ ਠੱਕ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜੂਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਫੰਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਲੇ ਬਣਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਲੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੰਦਮ ਦਸਰ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਾਰੀ ਗੰਦਮ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੂਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਸਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 2-4-10 ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਜੀ ਜੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-10 ਕਿੱਲੇ ਦੂਰ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ੁਹਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ੁਹਰ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੀ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 10-15 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਈ ਫਿਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਰਿਸ਼ ਥੰਮ ਗਈ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਵਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹ ਦੀ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਮ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਢ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਲੱਗ ਹੈ, ਜੈਕਟ ਕਾਢ ਦੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੋਏ।
तो माशाल्लाह जी अज पहाड़ा दे माशाल्लाह इधर पहाड़ी इलाके च बर्फबारी भी हुई है तो मौसम काफी ठंडा हो गया है। मौसम ही इधर बहुत ठंडी है। हां माशाल्लाह तो इस वास्ते मजीद आगे जाना है जाएगा फिर और भी ठंडा। इस वास्ते अपनी जड़ी है मोटरसाइकिल से जा रहे हैं थोड़ी जी सेफ्टी भी होनी चाहिए क्योंकि है ना एक बर्फ वाले इलाके च पहुंचते तक असि बीमार हो रही है। ले जी अभी ये वाली गाड़ी चलाएंगे मौजम भाई और मैं बैठूंगा मुदस्सर भाई के पीछे। मौजम भाई जी जी आगे आगे यहीं ते पीछे पीछे ठीक है ठीक है। बिस्मिल्लाह ओके चाचू जी बस ओके अल्लाह दे वाले बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह खेतों के हर तरह की चीज़ जड़ी लाई सब्जी भी लाई दी क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान ये कौन सा शहर है? शहर नहीं ये कुमराट वेली। अल्हम्दुलिल्लाह जी असी कुमराट पहुंच गए तो मुकरम भाई और मुदस्सर भाई चला गए ना कमरे च समान वगैरह रख के कड़ी रेस्ट करके नमाजी मगरब अदा करके तो मैं हूँ निकलिया बहर भाईजान कह रहे हैं कुछ खान तो दिल कर रहा है तो चलने नाल ही थोड़ी जी अगे बाजार है तो उतों कोई फ्रूट वगैरह कह रहे हैं खाने वो लैके आने आओ वेखने के फ्रूट है लैके आने शाम हो गई है तो सुबह इंशाल्लाह जड़ा ने होर भी मजीद जड़े ने अच्छे अच्छे मंजर जेरे ने शेयर किए जाएंगे आओ सब तो पहले फ्रूट लैके आने फिर अपना कमरा भी तुम दिखाएंगे जोड़ा असी होटल लिया है माशाल्लाह। दोस्तों मैं बाजार च पहुंच गया ए दो दुकाना है ना लेकिन इतने फ्रूट नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई फ्रूट कहाँ से मिलेगा? फ्रूट फ्रूट थल से थल बाजार थल बाजार वो कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर वो भाईजान होटल वाले बता रहे थे ये साथ बाजार है वहाँ से मिल जाएगा। ये सब्जी का दुकान है लेकिन इधर तो आम मिलेगा। फ्रूट नहीं है इधर? फ्रूट नहीं है लेकिन कोई तो दोस्तों फ्रूट तो मिला कोई नहीं ते मैं वापस जा रहा फिर होटल से भाई मुकरम ने कॉल की है भाई कहते हैं कि आइयो वापस खैर है कोई मसला नहीं हूँ नेरा काफ़ी हो गया ये बाजार भी शायद बंद हो गए थे हूँ तो चलने होटल से नाले जाके तुम अपना होटल दिखाने अपना कमरा दिखाने लो जी है साढ़ा होटल इतने। अस्सलाम वालेकुम। दसर भाई नजदीक तो कोई फ्रूट वाली दुकान नहीं? सब्जी वाली है जी। सब्जी वाली है? सब्जी लेनी चाहिए। सब्जी लेनी है सारे हूँ जाके लेनी की लिया ना खेला कुछ नहीं आता चले कोई नहीं भाई भाई जान कह रहे हैं 6 किलोमीटर दूर बाजार है आगे। हाँ आगे नहीं वो सुबह है जो कहने तो मोटरसाइकिल आए ना जाके लेना रहने दिए ठंड बहुत ठीक है अब आराम कर। माशाल्लाह जी सर्दी बहुत ज़्यादा है भाई जान आग जाग लाई है करम भाई मुदस्सर भाई। चलो जी भाई मुदस्सर ते भाई मुकरम गए थे हैं बाहर मोटरसाइकिल ते मैं ते गया हां मुन्नू ते कोई चीज नहीं लभी नेड़े नेड़े ते भाई और हुन मोटरसाइकिल ते गए थे हैं देखो हुन की लेके आए ना। हां जी भाई जी की लेके आए साडे वास्ते? सर बहुत कुछ लियांदा तुसीं खान वाले बनो ठंड बड़ी ही किन्नू नहीं ते लियां लगे हां मैं क्या ठंड बड़ी है जुकाम ना किते लग से ते अहीं दुआना लियांदा। माशाल्लाह माशाल्लाह दुआना ते होर अंब भी लियांदे ने? हां जी होर रोज तू लावा मौसम भाई खजूरा लिया दी तो खजूरा भी लिया नहीं है केक निमको शिमको बड़ी पसंद भी लिया नहीं रोटी बिस्किट भी लिया देने रोटी रोटी सारे थोड़ी देर पहले खादी पहले खादा दी ओके भाई इंजे लिया आया रोटी नहीं मिली इस टाइम बाहर निकलो तो दस्यो मैनू रोटी कित्थों लभदी है बड़ी ठंड है बाहर। अच्छा जेडे होटल ते ठहरे आ इत्थों नहीं रोटी मिलदी? मिलदी आ सिर्फ आना को मिलनी है तो लोबिया खा लो काटी खानी लोबिया या कढ़ाई है 1800 रुपए की चिकन
राज तुम बड़ी वीडियो बनाई मटन दी जिते बकरी तो दोस्तों कमरा सादा जिहा मेरे भाई माशाल्लाह एक बेड है एक मैट्रेस है मैं मैट्रेस ते नहीं इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਤੇ ਸੌਂਗੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੁਬਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਭਾਈ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।